नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में इस बार हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ संसदीय सीट। संसद टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ की मशहूर नेवज नदी के किनारे पर, और हमारे साथ हैं राजगढ़ संसदीय सीट के सांसद रोडमल नागर जी। नागर जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपसे मैं चर्चा की शुरुआत इस तरह करना चाहूंगा कि जो राजगढ़ संसदीय सीट है, देश के लोग क्या समझें कि राजगढ़ जो संसदीय सीट है वो क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, राजगढ़ संसदीय सीट हकीकत में ये है कि हमारा जो जिला है, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये पिछड़ा ही नहीं अति पिछड़ा माना जाता था, और इतना पिछड़ा कि मध्य प्रदेश में अगर कोई कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम नहीं करता दूसरे जिले में, तो लोग उसको कहते कि इसको राजगढ़ भेज दो, जबकि भोपाल से इसकी सीमाएं 40 किलोमीटर से लग जाती है। लेकिन इतना पिछड़ा था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने इसको आकांक्षी जिले में घोषित किया, और पिछले 2014 से जो लगातार यहाँ पर काम हुए हैं, मुझे कहने में संतोष है, नहीं गर्व है, कि ये आकांक्षी जिला देश के अग्रणी जिलों में शामिल होने जा रहा है। राजगढ़ के वर्तमान सांसद रोडमल नागर का जन्म 15 दिसंबर 1960 को रायपुरिया गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। खुजनेर से हायर सेकेंडरी करने के बाद इन्होंने माधव कॉलेज उज्जैन से बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद ये कई वर्षों तक आरएसएस में सक्रिय रहे। 2003 में बीजेपी ने इन्हें राजगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाया। 2006 तक ये इस पद पर रहे। तो बहुत छोटे परिवार से, किसान परिवार से, सामान्य परिवार से, और राजनीति का हमने दूर दूर से सोचा नहीं था, और आज भी मुझे लगता नहीं है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। रोडमल नागर ने सन 2005 में पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने इन्हें राजगढ़ से प्रत्याशी बनाया और ये पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह आमलाबे को 2,28,737 वोटों के अंतर से हराया था। मई 2019 में इन्होंने इसी सीट पर दोबारा जीत दर्ज की। इस बार इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी को 4,31,000 मतों से हराया। हम रोडमल नागर लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। सांसद जी, 2019 की बंपर जीत का श्रेय केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और उससे जनता को हुए लाभ को देते हैं। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों से प्रभावित होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। ये मेरी व्यक्तिगत लोकप्रियता इसमें कोई ज्यादा महत्व रखती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। राजगढ़ संसदीय सीट मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में मानी जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं। उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर इस सीट पर 5 बार जीत दर्ज की। हकीकत में राजगढ़ जिले से कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, और इसका कारण यह है कि यहाँ के लोगों के मन में एक राष्ट्रीय दल के बारे में, राष्ट्रीयता की विचारधारा वाले दलों के बारे में बड़ा सम्मान रहा है। रोडमल नागर संसद में भी काफी सक्रिय रहते हैं। 16वीं लोकसभा में इनकी उपस्थिति 95% रही, जबकि 17वीं लोकसभा में अब तक इनकी अटेंडेंस 89% है। 16वीं लोकसभा के दौरान संसद में इन्होंने जनहित से जुड़े 471 सवाल पूछे, जबकि 17वीं लोकसभा में सांसद जी अब तक 155 प्रश्न पूछ चुके हैं। इन्होंने अब तक 16वीं लोकसभा की 263 और 17वीं लोकसभा की 21 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर चुके हैं।
वर्तमान में सांसद रोडमल नागर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संबंधी स्थायी समिति और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इनमें चाचौड़ा, ब्यावरा, सारंगपुर, राघोगढ़, राजगढ़, सुसनेर, नरसिंहगढ़ और खिलचीपुर शामिल है। ये लोकसभा क्षेत्र पूरे राजगढ़ जिले और गुना और शाजापुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। सूखाग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से पलायन यहाँ की बड़ी समस्या है। रोडमल नागर जी का सपना क्या है? देखिए, हमारा जो सपना है वो ये है, और सपना ही नहीं संकल्प, और वो संकल्प हमारा सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमारा सबसे बड़ा संकल्प ये, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या थी पलायन। 3 से 4 महीने यहाँ रहते थे, बाकी अपने पशुओं को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के पीठ पे लाद करके कोई चराई के लिए जाता था, कोई कटाई के लिए जाता था, कोई बुआई के लिए जाता था, रोजगार के लिए जाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे। पढ़ने के बाद अगर बच्चे यहाँ आते तो रोजगार का अवसर नहीं था, फिर रोजगार के अवसर के लिए बाहर जाते थे, इलाज करवाने के लिए बाहर जाते थे। लगातार पलायन 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 पलायन, इस पलायन के दंश को कैसे समाप्त करना, ये हमारा सपना और ये हमारा संकल्प। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की 82% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि के लिए पानी की अनुपलब्धता और शुद्ध पेयजल की कमी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी। सन 2014 में सांसद बनने के बाद रोडमल नागर ने इस समस्या को चुनौती के रूप में लिया और इसके समाधान में जुट गए। वर्तमान में राजगढ़ क्षेत्र में 4 बड़े बांधों समेत कुल 19 डैम बनाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का ज्यादातर जो हिस्सा है वो ग्रामीण इलाका है। लगभग 82% जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाके में रहते हैं और 18% यहाँ का शहरी इलाका है। इस बड़ी आबादी को जल मुहैया कराने के लिए, और क्योंकि ज्यादातर किसान इस इलाके में रहते हैं तो उनको सिंचाई के लिए, जल की सुविधा के लिए राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। रोडमल नागर जी, आपने जो ये जल की समस्या आपके यहाँ थी, चाहे वो सिंचाई किसानों की हो चाहे वो पेयजल की समस्या हो, क्या रूपरेखा आपने तैयार करी और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं आगे भी? जब हमने देखा कि यहाँ नदियाँ तो बहुत पर्याप्त हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है, वो सूखी पड़ी रहती हैं, तो मन में एक विचार आया कि वो नदी नदी क्या जिसमें पानी नहीं हो। और फिर लोगों से चर्चा करके, बात करके, और इन पर कैसे डैम बने, ये डैम जो समय सीमा थी उस समय सीमा से भी पहले बन गए हैं। अभी हम आज यहाँ खड़े हैं, ये नेवज नदी है, इस नेवज नदी पे मोहनपुरा डैम बना है। इस मोहनपुरा डैम के बनने से यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर आज अभी भी देख रहे हैं आप, एक पेड़ का जो है एक तिनका भी नहीं है, घास का भी तिनका नहीं है, पेड़ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसमें हरियाली होगी। अभी भी इससे काफ़ी हरियाली हुई है। अब एक नेवज नदी हमारे यहाँ, एक कालीसिंध नदी हमारे यहाँ, पर नेवज का भी कोई उपयोग नहीं हुआ, पूरा पानी बह करके चला जाता है। ऐसे ही कालीसिंध, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, पूरा पानी बह करके चला जाता है। चंबल में हमने वहाँ पर भी एक डैम बनवाया, वह भी लगभग इतना ही बड़ा है, उससे भी 1,40,000-45,000 हेक्टेयर ज़मीन नहीं सिंचित होगी। इसी प्रकार से पार्वती नदी निकल रही है हमारे यहाँ से, उस पार्वती का रेसई के ऊपर एक डैम बनवाया जिसका काम चल रहा है। उसी प्रकार से पार्वती पर ही दूसरा डैम एक सुठैले के पास बनवाया। और भी छोटे छोटे डैम, कहीं मुंडला है, कहीं दूधी है, कहीं ये अलग अलग डैम बने हैं, 18-19 डैम और बने हैं, और जिसकी वजह से इस राजगढ़ क्षेत्र की 1 इंच भी जमीन सूखी नहीं बचेगी। थोड़ा सा क्षेत्र बचा है, उसके लिए भी दूसरी योजना से हम जो उसमें नर्मदा का पानी कैसे इकट्ठा करके ला करके यहाँ पर करके रखें, तो हमने इस कृषि जगत के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के भले के लिए ये डैम बनाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मोहनपुरा डैम का लोकार्पण किया है, तो सारे राजगढ़ क्षेत्र में नई जो सिंचाई हमारी होगी,
ये 3.5 लाख हेक्टर से 4 लाख हेक्टर के लगभग सिंचाई होगी। हमने 2014 में इसका काम शुरू किया बांध का, इसमें 616 घन मीटर की क्षमता है और इसका काम रिकॉर्ड समय में पूर्ण हुआ 3 वर्ष में। इसमें 1,45,500 हेक्टेयर में सिंचाई होनी है, जिसमें से कि हम 40-50 हेक्टेयर में सिंचाई करना प्रारंभ कर दिया है और मार्च 2023 तक हम पूरा 1,45,000 हेक्टेयर में सिंचाई करने के लिए संकल्पित हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम चल रहा है। संसद टीवी की टीम सांसद महोदय के साथ मोहनपुरा डैम प्रोजेक्ट के पंपिंग स्टेशन भी पहुंची, इस सिंचाई परियोजना की कार्य प्रणाली को समझा। मोहनपुरा देश की पहली परियोजना है जिसमें 1 इंच भी ओपन कनाल नहीं है। यह देश की इकलौती प्रेशर पंप परियोजना है जिसमें 6000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के इंटर कनाल पाइप सिस्टम के द्वारा हर खेत तक पानी पहुँचाया गया है। देखिए, ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये मोहनपुरा डैम का पंप हाउस है और ये पंप हाउस या ये डैम, यार यहाँ का जो पानी है ये इस देश की पहली योजना है। यहाँ से पूरा का पूरा पानी पाइपलाइन से जा रहा है, ओपन केनाल 1 इंच भी नहीं है और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पानी जा रहा है, 70 किलोमीटर दूर प्रेशर पाइप से। केवल इसी डैम से 1.5 लाख हेक्टेयर के लगभग नई जमीन सिंचित होगी, पूरा पानी प्रेशर पाइप से जाएगा और किसान को रात को खेत में जाने की जरूरत नहीं है। वो कोड नंबर उसके डिब्बे पर डले हुए हैं, वहाँ से मोबाइल का बटन दबाएगा, यहाँ से बैठा बैठा मोबाइल का बटन दबाएगा, खेत में सिंचाई प्रारंभ हो जाएगी और ये उसको समझ में आ जाएगा कि भाई पानी अपना सिंचाई हो चुकी है, संकेतक उसमें लगे हैं, बंद कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। राजगढ़ जिले में 2018-19 तक जो MSP पे खरीदी होती थी या 19-20 तक, वो करीब करीब आपकी 300 से 350 करोड़ की होती थी। लास्ट ईयर की जो खरीदी थी वो बढ़ के करीब करीब 800 करोड़ की हो गई है, मतलब डबल से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है और ये जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है काफ़ी हद तक इसका योगदान उसमें रहा है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए 7000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और पानी की बड़ी टंकियों के माध्यम से 1320 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है। पीने के पानी के लिए भी प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर में नल से जल, और वो हम पूरा करने वाले हैं। प्रत्येक गांव की योजना बन गई है, 1,350 गांव में काम चालू हो गया है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ने की वजह से गो संरक्षण एवं गो संवर्धन पर भी अच्छा काम हो रहा है। वर्तमान में यहाँ 240 गौशालाएं चल रही हैं। ये राजगढ़ क्षेत्र अगर जिंदा है आज तक तो पशुधन की वजह से है। जब से ये डैम बने हैं, जब से पानी आया है, तब से वापस रुझान बढ़ा है, पर तब तक इस पशुधन को संभाल के रखना। हमारे यहाँ 240 के लगभग इस प्रकार की गौशालाएं अभी हैं, 240 गौशालाएं हैं। अब उनका हम उन्नयन कर रहे हैं, गौशालाएं स्वावलंबी हो, गौशालाएं आत्मनिर्भर हो, इनका संरक्षण हो, गायों का संवर्धन हो और एक एक बछिया 50,000 से 1,00,000 तक आज भी मिल रही है। उसी प्रकार के कुछ मॉडल्स हम यहाँ पर 7-8 मॉडल हमने तय किया है, उसमें एक स्थान ये भी है और यहाँ पर नस्ल सुधार का हम काम करेंगे। यहाँ पर हम गोबर से गोवर्धन बनाने का काम करेंगे, ये गौमूत्र से जो है औषधि बनाने का काम यहाँ पर हम करेंगे। गौ माता की तो कोई सेवा नहीं करता था, गायों को तो बिल्कुल मतलब फालतू धन बोल हो गया था, तो इसकी तो कोई सेवा नहीं थी और लोग भी बाहर मजदूरी करने जाते थे सर, गाँव में तो थोड़े बहुत ही लोग बचते थे। और जब से ये सरकार आई, हमारे डैम बने, तालाब बने और पानी फुल उपलब्ध हो गया सर हमें, अब तो एक गौशाला बन गई तो गायें भी बिल्कुल संतुष्ट है और लोग भी अच्छे खेती करते हैं, अच्छे तरीके से पानी पर्याप्त हो गया उनके लिए, तो उन्हें कोई कमी महसूस नहीं है सर। पहले क्या है कि हमारी गाय भी भूखा मरती थी और हम भी भूखा मरते थे, तो हमारा पेट भरने के वास्ते गाय का पेट भी नहीं भर पाते सर, और आज की स्थिति में हम गाय का पेट भरते हैं, हमारा भर लेते हैं।
इस संसदीय क्षेत्र में हाईवेज और फोर लेन का जाल बिछ गया है। सड़कों के निर्माण पर 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि खर्च हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। राजगढ़ ये राजस्थान से लगा हुआ है, चार चार राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर हैं। रेलवे लाइन 2 साल में प्रारंभ हो जाएगी, जो रेलवे का भी बड़ा जंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सांसद महोदय का एक संकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा और उज्ज्वला जैसी तमाम केंद्रीय योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने का भी है। वो ग्रामीण में रहने वाली जनता की मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। माननीय मकान तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मिल रहे हैं और 2011 की सर्वे सूची के अंतर्गत बहुत सारे लाखों गरीबों के पक्के मकान बने हैं। दूसरी आवश्यकता होती है रोटी की, जो मां की माननीय प्रधानमंत्री जी की अन्नपूर्णा योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिल रहा है। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जिले में, बहुत परिवर्तन हुआ गांव में, तो हुआ ही है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया है, 2 बड़े डैम बने राजगढ़ जिले में, और रोडों में भी बहुत क्रांति आ गई, सब जगह रोड बन गए हैं, बहुत अच्छे काम हुए। कृषि क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इसका रोड मैप भी सांसद महोदय के पास है। हमारे यहाँ जो नरसिंहगढ़ है, ये नरसिंहगढ़ को मालवे का कश्मीर कहा जाता है। वहाँ पर चिड़ीखों हैं, वहाँ पर जो है पर्याप्त, चाहे जैन काल के हों चाहे बौद्ध काल के हों, पुराने मंदिर हैं, शिलालेख हैं, चित्र हैं, कोटरा है, यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं। और इसके बाद जो बड़े बड़े डैम बने हैं हमारे यहाँ, इनके किनारे हमने पर्यटन विभाग से बात किए हैं और उनसे चर्चा करके जल संसाधन और पर्यटन दोनों मिलकर के, और वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नवाचार हो सकते हैं, इसकी सारी चर्चा और सारे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। राजगढ़ माँ पिजासन धाम भैंसवा माता के लिए भी प्रसिद्ध है। 100 हेक्टेयर यानी करीब 400 बीघे में फैले इस धाम में अप्रैल महीने में नवरात्रों के दौरान विशाल 108 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने लगातार 9 दिनों तक इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जो यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, इसका ये केवल साध्य था, साधन था, और इसका साध्य है मंदिर निर्माण होगा। उसके लिए परिकल्पना की गई है, 32 करोड़ रुपए से एक बड़ा मंदिर निर्माण होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में राजगढ़ ज़िले में और मध्य प्रदेश में पहला स्थान बने, इसके लिए लगातार हमारे सांसद महोदय प्रयासरत है। माँ पिजासन धाम भैंसवा माता राजगढ़ देश दुनिया में शायद ऐसा पहला मंदिर है जिसके प्रांगण में नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। इस अनूठी वाटिका में नक्षत्र और राशि के हिसाब से पौधे लगाए गए हैं। ये वाटिका ज्योतिष और विज्ञान के बीच प्रत्यक्ष संबंधों का भी जीता जागता उदाहरण है। 8 दिशाओं के बाद में 9 ग्रह रहते हैं, 12 हमारी राशियां रहती है, 27 हमारे नक्षत्र रहते हैं। इनके नाम भी आज की पीढ़ी को पता नहीं है, इनके अपने अपने पेड़ रहते हैं, इनके अपने अपने स्थान रहते हैं। उन सब की स्थापना हमने यहाँ नक्षत्र वाटिका में की है। अगर किसी का जन्म किसी नक्षत्र में हुआ है, उसकी कौन सी राशि है, कौन से ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किस दिशा में बैठ करके वो आराधना करे तो उसके जीवन में समाधान आएगा, इसकी व्यवस्था भी हमने यहाँ पर की है। सांसद रोडमल नागर ने अपने संसदीय क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्तमान में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा महिला स्वयंसेवी समूह सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जिनसे 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और इनका टर्नओवर करोड़ों में है। सिलाई मशीन भी चलाते हैं, मतलब चुनरी सिलाई का भी काम चल रहा है और अगरबत्ती निर्माण का भी चल रहा है और दोना पत्तल का भी चल रहा है। इससे महिलाओं को कम से कम 300 से 400 तक की मजदूरी रोज की मिल जाती है। कोई दूध निर्माण भी कर रही है, कोई मतलब धान खरीद के और उसका मसाला बना रही है, कोई पापड़ का काम कर रही है, कोई फिनाइल का काम, जिससे साबुन बन रही है सर, वो साबुन भी कोई महिलाएं बना रही है। पर ये सब अपने अपने गाँव में भी होता है और यहाँ भी होता है। जो दूर की महिलाएं 20 गाँव 28 गाँव जुड़े हुए हैं सर यहाँ पे,
इस भवन में, तो वो दूर की जो नहीं आ पाती है रोज, तो वो अपने घर पे भी कर सकती। पहले महिलाओं को कोई मतलब सामने ही नहीं लाते थे, पूछते ही नहीं थे महिलाओं को। अब महिला आगे बढ़ रही है और काम भी अपना स्वयं का रोजगार कर रही है। सांसद महोदय के मुताबिक इन्होंने वोकल फॉर लोकल को जमीनी स्तर पर उतारते हुए स्वयंसेवी समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग अपना बाजार के तहत की। इन्होंने एक जैसा कच्चा मटेरियल महिला समूहों को उपलब्ध करवाया और क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए व्यापारिक लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया। इनकी किराने की जो दुकानें हैं गांव में, छोटी छोटी दुकानें, तो उसका नाम रखवाया हमने अपना सामान, अपना पापड़, अपनी बड़ी, अपना सर्फ, अपना अगरबत्ती, अपना फिनाइल, बाजार अपना बाजार, दुकान अपनी दुकान। अब अपनी दुकान पे अपना सामान, अब कोई एक अपनी बड़ी बना रहा है तो कोई अपना बड़ा पापड़ बना रहा है, तो कोई अपनी अगरबत्ती बना रहा है, तो कोई अपना बिस्किट बना रहा है, तो कोई अपना ब्रेड बना रहा है, तो कोई अपना सेव बना रहा है, तो अपना कोई सर्फ बना रहा है, तो अपना कोई साबुन बना रहा है। उन सबको लगता है कि अपना है और वो एक जगह हमने इकट्ठा किया। सांसद महोदय ने सारणपुर जिले के संडावता को गोद लिया है। ग्रामवासियों के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में इस आदर्श ग्राम की तस्वीर ही बदल गई है। हमारे यहाँ आदरणीय श्री रोडमल जी नागर साहब ने गांव आदर्श लिया। जब से हमारे यहाँ की जगह मंडी नहीं थी, पहले बहुत दूर जाना पड़ता था हमें, 10-10 किलो 15-15 किलोमीटर दूर था, तो मंडी बनाई हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं था तो हॉस्पिटल चालू करवाया। हमारे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग करोड़ों रुपये की लागत से बनाई। हमारे यहाँ की जगह गौशाला बनवाई। हमारे यहाँ की जगह जागे जाग सामुदायिक भवन बनवाए। हमारे यहाँ की जगह आसपास क्षेत्र से महिलाएं सबको समूह बना के उनको सबको रोजगार दिलाया। छोटा सा कस्बा आज बहुत बड़े नगर के रूप में विकसित हुआ है, उसका सारा श्रेय आदरणीय सांसद जी और प्रधानमंत्री जी को जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो बड़े रूप में 20 करोड़ से ऊपर के काम हुए हैं। छोटा कस्बा नगर के रूप में देखने को आता है। यहाँ की उपमंडी, अस्पताल और हितग्राहीमूलक योजनाएं भी लगभग सारी इस गांव में लागू हुई है। बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं थे तो आइडियल वॉशरूम बना। उसके बाद में बच्चों के पढ़ने के लिए भी क्लासरूम्स बने, एडिशनल क्लासरूम्स, अभी लैब्स बनी हैं और लाखों रुपए के काम हुए हैं। साथ में जैसे CSR एक्टिविटीज़ में यहाँ पे स्मार्ट क्लास और ई लाइब्रेरी ये बनाई गई हैं। आदर्श ग्राम संडावता में चल रहे आजीविका रोजगार केंद्र के जरिए स्थानीय महिलाएं अपने अपने स्वयंसेवी समूह चला रही हैं। सिलाई मशीन भी चलाती हूँ और जनरल स्टोर की दुकान भी है, बैग भी बना के बेचती हूँ, साड़ी भी रखती हूँ। मेरे समूह का नाम लवकुश स्वयं सहायता समूह है। मैं अगरबत्ती का काम करती हूँ। ग्राम संगठन से लोन लिया और 85,000 की मशीन है, कच्चा माल लाके और अगरबत्ती बनाते हैं। मेरे समूह का नाम जय गणेश है, जिसमें मैं सदस्य हूँ। मेरी खुद की भी पहले मतलब जब मैं समूह से जुड़ी थी, जिसके पहले की आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी, जुड़ने के बाद जब मुझे समूह का मतलब पता चला, तब मैंने धीरे धीरे रह के मैंने ऑफिस से लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने खुद का जनरल स्टोर डाला, गांव-गांव भी दुकान लगाई, जिसके बाद सर वहां जुड़ने के बाद फिर मैं इस ऑफिस में भी जुड़ गई। मतलब मेरे हिसाब से समूह में जुड़ने के बाद मेरा बहुत फायदा हुआ है। जनता की मदद के लिए सर्वसुलभ होने के साथ ही इनका लक्ष्य जन समस्याओं के त्वरित निराकरण पर भी रहता है। पब्लिक लाइफ में व्यस्त रहने वाले सांसद रोडमल नागर खुद को फिट रखने के लिए योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का सहारा लेते हैं। सांसद महोदय का भरा पूरा परिवार है। पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी के साथ अब इनके परिवार में 2 बहुएं और नाती पोते सब हैं। अपने पोतों से सांसद महोदय को बेहद लगाव है और उनके साथ खेलने घूमने के लिए ये थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं। सामाजिक जीवन में व्यस्त रहने वाले सांसद महोदय की धर्मपत्नी का कहना है कि तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालकर वो परोक्ष रूप से पति की मदद करती हैं। बालक और को उनको संभाला नहीं कभी भी, देखा नहीं कैसे पढ़ाना, कैसे लिखाना, क्या करना, बालक कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं, पूरा मैंने संभाला उनको। उनने अभी पूरी संभाल रहा नहीं, पूरी उनकी जनता संभाल रहा, हाँ पूरी सब दूर की देख रेख सब कर रहा और बाकी की बच्चे जब मैं कर रहा है, हाँ कुछ नहीं कुछ। सांसद महोदय के बेटों को भी इस बात का गर्व है कि उनके पिता जनसेवा के जरिए नारायण सेवा के पुनीत कार्य में जुटे रहते हैं। उनका अच्छा गुडला के क्षेत्र के लिए भी कि उनके सांसद रहते हुए क्षेत्र में इतनी सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई और जमीन पे उतर भी गई,
चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो या सिंचाई की जो परियोजनाएं हो और रेलवे की परियोजनाएं हो, महाविद्यालय हो, बहुत सारी जो कार्य है उसके लिए वो लगे रहते हैं, संसद में भी बात उठाते रहते हैं। तो बिल्कुल ये तो मुझे गर्व है। सरलता पिताजी पापा जी का बहुत अच्छा गुण है, सरलता, विनम्रता, चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा सबके साथ विनम्रता से बात करते हैं और धैर्य उनका सबसे बड़ा एक और उनका गुण है, जो धैर्य बहुत है उनका, जो मैं भी प्रयास करता हूँ हमेशा सीखने की, जो अभी तक कुछ ही क्षण कुछ ही सीमा तक सीख पाया हूँ। सांसद महोदय खुद एक किसान हैं और अपने अभिनव प्रयोगों के जरिए ये संसदीय क्षेत्र के किसानों को लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं। इनका कहना है कि फसल चक्र में परिवर्तन से ही किसानों की आय दोगुनी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो, ये हम वर्णन करके नहीं बता रहे, हम काम करके दिखा रहे हैं। अब आप देखो, हमने अपने खेत के ऊपर, जब भी मेरे को समय मिलता है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपने खेत के ऊपर ये फसल चक्र को कैसे परिवर्तन किया जाए, किसानों को आमदनी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उनमें आत्मविश्वास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसके लिए डेमो तैयार किए हैं। अब ये भट्टे, टमाटर, मिर्ची, अदरक, तरबूज, लहसुन, प्याज, ये कृषि पैटर्न को बदलना और किसान को विश्वास हो जाए कि एक से डेढ़ महीने में उसको नगद रुपया आने लगेगा। तो राजगढ़ के जो सांसद हैं रोडमल नागर जी, उनका कहना है कि कृषि पैटर्न से ही किसानों की आय जो है वो दोगुनी होगी, उससे आगे भी बढ़ेगी और इसके साथ ही जहर मुक्त खेती के लिए राजगढ़ क्षेत्र जाना जाएगा। रोडमल नागर जी, आपने संसद टीवी से बातचीत करी, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।